यह TVS कंपनी की जुपिटर स्कूटी है। इस स्कूटी का हम गियर ऑयल चेंज कर रहे हैं। गियर ऑयल स्कूटी का चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम निकाल तो लेते हैं बड़े आसानी से, लेकिन गियर ऑयल को गियर बॉक्स में डालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ से नीचे से ऑयल निकाल लिया है। मैं आपको बता दूँ पहले कि आपको ऑयल कहाँ से निकालना है। गियर ऑयल जब भी निकालेंगे तो आपको यहाँ से निकालना होगा। ये आप बोल्ट देख रहे हैं एक नीचे, ये वाला यहाँ पे 13 नंबर का चाबी से ये खुलेगा। तो वहाँ नीचे से 13 नंबर का बोल्ट आपको खोल कर नीचे कोई बर्तन रख लेना है, सारा ऑयल निकाल लेना है, उससे भी ऑयल निकल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से एक बोल्ट खोलना है। इस जगह से इस तरह का बोल्ट नीचे भी है और इस तरह का बोल्ट ऊपर भी है, ये यहाँ पे लगा होता है। इस बोल्ट को हम बाहर निकाल लेंगे और यहीं से हम गियर ऑयल लगाएंगे। अब बहुत सारे भाई परेशान रहते हैं, मैं भी परेशान था काफ़ी देर से कि मैं इसमें कैसे डालूँगा, क्योंकि ये जो सुराख है इसका ये थोड़ा बिल्कुल बराबर टाइप का है ना, ऊपर से जैसे कि थोड़ा सा नीचे ऊपर साइड में हो तो हम किसी भी चीज़ से डाल सके, इस तरह का नहीं है। इसमें ये बिल्कुल बराबर दे दिया है और ध्यान से देखोगे थोड़ा सा ये जो है ना ये गुना इसका थोड़ा सा नीचे ढाल ही रहेगा। अब किसी भी चीज़ से आप टिप जैसे देंगे या फिर कोई पेपर वगैरह इसमें लगा के डालना चाहेंगे तो ये नहीं जाएगी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह के पाइप का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर पाइप डालते हैं, ठीक है, ऐसे पाइप डालते हैं और इसके पाइप में ऑयल गिरा कर और फिर उसके अंदर पाइप में फूंक मारता है या फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो जाता है। तो यार मैंने सोचा कि इतना ये काम अगर मैं करूँ तो काफ़ी देर लग जाएगी मुझे, तो मुझे मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ में आया कि मैं एक इसका जुगाड़ मैंने सोचा इसके बारे में, तो मेरे समझ में आया कि मैं एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। इंजेक्शन का मैंने इस्तेमाल किया और यहाँ से मैं सारे ऑयल को मैं अच्छे तरीके से अब डाल पाऊँगा। ये देखिए हमारे पास ये गियर ऑयल है, ये जो गियर ऑयल देख रहे हैं अंदर में ये है बोश ब्रांड का, ये बोश कंपनी का गियर ऑयल है, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। ये 500 ml के पैकेज में भी आता है, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, इसके अंदर ये गियर ऑयल रहता है। अब देखिए मैं इसके जरिए से डाल रहा हूँ, इससे पहले मैं इसी से डाल रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार इससे तो जाएगा नहीं, बहुत समय लगेगी इसके जरिए से। तो अब देखिए इससे जो मैं डाल रहा हूँ अभी कितना जल्दी है अंदर चला जाएगा, देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए मेरे पास कुप्पी भी है, मैंने सोचा कि कुप्पी के जरिए से ही उस तरीके से डालेंगे, लेकिन यही सब चीज़ दोस्तों कि जल्दी से दिमाग में नहीं आता है बात कि हम कैसे डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे सोचते सोचते ये चीज़ें दिमाग में छप गई और मैं बड़े आसानी से इसके ज़रिए से गियर ऑयल डाल पा रहा हूँ। इतना तो है कि उस पाइप के जरिए से ये बहुत ही आसान हुआ, हमें 3-4 मरतबा डाला है अभी और मुझे लगता है कि 5-6 मरतबा डालने पर ये पूरा ऑयल सभी ऑयल मतलब चला जाएगा उसके अंदर। और इसमें कितना डालना है मैं आपको वही बता दूं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 120 ml, ये देखिए 120 ml डालना है, ठीक है। तो देख लिया आपने किस तरीके से मैंने गियर ऑयल इसके अंदर डाला, इसी तरीके से किसी भी स्कूटी में आप डाल सकते हैं। ऐसे ही बाइक रिपेयरिंग से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में कासिम ऑटो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें।